लॉर्ड शिवा की। तो कल एक कंपाउंडर साहब आए थे, बहुत बड़े भक्त थे वो, तो आशुतोष को ड्रेसिंग करने के लिए आए थे, तो मेरे से मिलने आए। मैं प्रवचन सुनने में व्यस्त था, लेकिन उनका बहुत भक्ति है, तो मैं बहुत रियलाइजेशन बताने लगे कि पूजी कितना कितना जन्मों तक हम लोग कितने चीज के लिए कहा अपना, बहुत सारे पोयम लिख के मेरे को दिखा रहे थे अपना, लेकिन कब मैं कृष्ण के लिए रोऊंगा। बंगाली में, बंगाली समझ में तो आता है मुझे थोड़ा, तो वैसे क्यों हमें कृष्ण खाने मतलब जन्म जन्म तो हमने भौतिक चीजों के लिए रोया। मुझे मतलब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मतलब स्पीकिंग विद सच डिवाइन फेथ एंड यू नो। तो फिर रास्ते में जाया था मैं उनको लेके, तो बोले थे कि प्रभु जी क्या शिव जी का अपराध करे लोग, शिव जी को बदनाम करे, शिव जी को गांजा। तो बोले शिव जी सब खाएंगे, पूजो तो वैष्णव में खाएंगे। बोले नहीं वो नहीं खाएंगे, समझ रहे। फिर बोला मूर्खों को उपदेश देने से फायदा आप ही वो गोली मार देगा, अगर हम जाके बोलेंगे आप गलत करें। बोले का शिव जी का अपराध करेंगे, शिव जी का प्रसाद का पैसे बोलेंगे, निरादर करेंगे, समझ रहे। तो बोले इसलिए मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो मेरे को स्टोरी सुनाने लगे, देखिए पूजी एक बार एक मूर्खों का समाज था, समझ रहे। तो वो लोग समुद्र के तट पे बैठा था, तो बोला वो बहुत दुखी था। तो एक विद्वान व्यक्ति जा रहे थे, तो लोग रो रहा था, तो उनको दया, बोले महाराज मदद कीजिए मदद कीजिए। बोलो क्या मदद चाहिए। तो एक मछली होता है, उसको क्या तो नाम बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उस समुद्र के बहुत अंदर में मिलता है, और उसका सीजन नहीं था, और उनका बड़ा इच्छा होता था पर्टिकुलर मछली खाने का, समझ रहे। तो लोग समुद्र में बीच बाहर में बैठ के चंडे में कैसे है, अंदर तो जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन अभी उसका सीजन नहीं है। तो बोला कैसे क्या करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति से बोला आप पे कुछ बताए महाराज, हम लोग मर जाएंगे उसको खाए बिना, समझ रहे। तो बोला तुम लोग क्या करो, एक मरा हुआ आदमी का लाश फेंक दो समुद्र में, तो उसका जब सुगंध सुनेगा मतलब दुर्गंध सूंघेगा मछली, तो अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या तो नाम बोले गिलसी या कुछ, तक एलिस 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 इलिस 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 मार्च। तो बोले कि इलिस मार्च जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा, जब आपका मुर्दा लाश फेंक देंगे हम समुद्र में, ऐसे तो नहीं आएगा बट हायर टेस्ट देंगे तो आ जाएगा, समझ रहे। तो उसको आप कोई आदमी को मार के उसको फेंक दो, और उसको फिर उसका टेस्ट वो आ जाएगा। बहुत अच्छा एडवाइस दिए, अरे तो बहुत अच्छा, हम लोग क्लिक के नहीं किया था कि आदमी को मार के फेंक देंगे, फिर आदमी कहाँ से मिलेगा। तो जो एडवाइस दिया ब्राह्मण उसी को पकड़ उसी को फेंक दिया। तो पॉइंट इज वी शुड नॉट एडवाइज द फुलिश पीपल, समझ रहे, बिकॉज वो उल्टा करेगा जो बोलेगा आप, तो उसी को गला काट के उसको फेंक दी। तो इसीलिए मैं उनको बोला कि मूर्खों को ज्यादा एडवाइस, उसको जो करना है करने दीजिए, समझ रहे, वो ज्यादा सुनेगा नहीं। तो पॉइंट इज सो वी डोंट वॉन्ट टू प्रीच टू पीपल हु विल नॉट हियर फ्रॉम अस, समझ रहे। बिकॉज देख मैं हामस, एक बार मैं जादवपुर में प्रचार करने गया कॉलेज, तो हॉस्टल में जाता था मैं, तो एक लड़का एकाध माला करता था, पता नहीं उस दिन नशा में था, बोले मारेंगे आपको कृष्णा को फिलोसफी दो तो लोग पूरा एकदम, पता है नशा में था क्या था, समझ रहे। हम नित्यानंद को स्मरण करके निकलने लगे, भाई कोई बात नहीं है नित्यानंद तो मार खाए प्रेम दे, हम नहीं पाएगा, हम निकल जाते, मार देगा तो फिर वो फिलोसफी यूज करेंगे, मार खाए प्रेम दे, लेकिन अभी नहीं मारा, निकल जा, समझ रहे। तो इस दुनिया में वी आर ईगर फॉर ऑडियंस विच आर वेरी सबमिसिव टू अस, समझ रहे, जो सुनना चाहे, जो तुरंत सोलह माला पे आ जाए, तिलक लगाने लगे, एकदम सीरियस हो। बट शिवजी को देखिए वो कैसे लोग को प्रीच करे, जो लोग कथा सुनना ही नहीं चाहता है,
समझ रहे, जो लोग एकदम मतलब तमोगुणी समझ रहे, ऐसा लोग को प्रचार करते, उन लोग से मित्रता बनाते, उनका जैसा ड्रेस पहनते। ऐसा नहीं शिवजी को धोती कुर्ता पसंद है, शिवजी को बहुत पसंद है, वो तो पूरा एकदम सत्वगुण मतलब शुद्ध सत्व में। लेकिन एज अ कंपैशन फॉर लिविंग एंटिटीज हु आर अवर्स टू कृष्णा, शिवजी टेक्स द रोल। व्यासुतोष नहा नहीं पा रहे बेचारे, उनको चोट लगा तो बेचारा हेड सेव कर लेके पूछ मर जाएंगे बेटा नहा, मतलब समझ रहे, सोचे 2-4 दिन नहीं नहाया जाए तो अब मरने मतलब पागल हो जाएंगे हम लोग, 1 दिन नहीं नहाया जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा भाई, मतलब हमसे नहीं जाएगा मर जाएंगे उससे बढ़िया, समझ रहे। और सोचिए शिव जी वैसे इग्नोरेंस वाले लोग को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, नहीं नहाते, भस्म लगा के रहते, समझ रहे, कितना बड़ा सेवा है, आपको नहीं करना है सेवा, समझ रहे, नहीं तो हम आपका सेवन कर देंगे। लेकिन पॉइंट इज दैट थिंक अबाउट शिव जी रोल, शिव जी के बारे में थोड़ी मनन कीजिए, उनके त्याग के बारे में। जो व्यक्ति को बीड बैग लेके घूमने में मजा आता होगा, कीर्तन करने में मजा आता होगा, बेचारा शमशान घाट में समझ रहे कैसा कैसा रोल लेके काहे के लिए, तो अट्रैक्ट दोज हु आर नॉट नॉट इंक्लाइन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, सो दैट्स व्हाई ही इज सो कंपैशनेट। Then he has such taste for holy name. So we can pray to Lord Shiva that he can give us some drop of taste of our holy name, because by holy name chanting one gets compassion to help others. And that's why he took the whole poison, pura jahar pi liya unhone, kalkant. But while he was taking the poison, he was remembering Krishna. Isliye kya ho gaya? Neel ho gaya, Krishna ko remembers. उनका नाम हो गया। तो सिमिलरली हम लोग को प्रचार करना है तो लोगों का नेगेटिविटी ये सब बहुत कुछ को हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छे जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, तो आप एलिवेट हो जाएंगे वो, समझ रहे। तो यू कैन प्रे टू लॉर्ड शिवा दैट हम भी अच्छे जप कर सके, नाम रुचि हमें भी आए, उनमें बड़ी नाम रुचि हो, सच टेस्ट फॉर चैंटिंग द होली नेम। और जब कभी भूल जाते शादी किए कि समझ रहे, पत्नी भी अभी भूल जाती, पत्नी को साड़ी देना ही भी भूल जाते, मतलब समझ रहे, तो ही इज लाइक वो इस दुनिया के नहीं है, मतलब ट्रांसेंडेंटल, प्रे टू हिम टू गेट सम ड्रॉप ऑफ टेस्ट फॉर होली नेम, एंड देन दैट टेस्ट फॉर होली नेम when we will experience love of Krishna in the heart, we like to give it to others. Jeev Daya ke roop mein manifest ho. Shiv ji ki, Shivratri Mahamahotsav ki, Gaur Premanande Hari Hari. Kya? Ek drama bhi hamare bhakt log banaye hain. तो कितने बजे लॉन्च होगा? 5 बजे. शाम को 5 बजे आप लोग के लिए स्पेशल YouTube पे लॉन्च होगा, YouTube पे लॉन्च होगा, आप लोग अपना YouTube देखना चाहें देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा ड्रामा नहीं है, शिव जी का बहुत स्पेशल ड्रामा है। हरे कृष्ण शिल्पोपाद की।